और आइए देखते हैं 20 मिनट 20 खबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 17 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप में शामिल दो आरोपी कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने मीडिया को बताया कि एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चार आरोपियों ने पहले उसका अपहरण किया और फिर गैंगरेप की वारदात पहुंचा दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की सोशल मीडिया पर सरविंद कुशवाहा के साथ एक साल पहले दोस्ती हुई थी। 21 नवंबर को सरविंद कुशवाहा समेत चार लोगों ने नाबालिग का अपहरण किया, गैंगरेप किया, पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दो फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जबलपुर में महिला और उससे 10 साल छोटे प्रेमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों पर महिला के पति की सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। प्रेमी ने भांजे को 50,000 रुपए की सुपारी दी, एडवांस में 8,000 रुपए दिए, जहां भांजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला के पति की हत्या की और घटनास्थल पर महिला का प्रेमी भी मौजूद था। इस प्लान में महिला भी बराबर की साथी रही। शुक्रवार को हुए हत्याकांड का खुलासा रविवार को जबलपुर पुलिस ने किया। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल हनौतिया निवासी प्रेम सिंह मरावी का शव बरगी थाना इलाके में शुक्रवार दोपहर मुंगेली नहर के किनारे मिला। एडिशनल एसपी ग्रामीण सोनाली दुबे ने बताया कि प्रेम सिंह की पत्नी संगीता मरावी के हनौतिया निवासी प्रहलाद पटेल से अवैध संबंध है। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। प्रहलाद पटेल ने भांजे विकास पटेल और उसके साथी विष्णु पटेल को अपने प्लान में भी शामिल कर लिया। विकास ने प्रेम सिंह के सिर पर रॉड से हमला किया, विष्णु ने चेहरे पर पत्थर पटक दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बावजूद इसके अपराधी दिनदहाड़े फायरिंग और हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां दिनदहाड़े एक युवक पर कुछ बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में मयूर मार्केट के पास रविवार शाम के समय कार में सवार एक युवक पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे कार सवार युवक के सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हुआ। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर युवक अर्जुन तोमर पर फायरिंग की गई, जिसमें उसके सिर में गोली लगने से वो गंभीर घायल हुआ। इसका इलाज कराया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आग की लपटें उठने लगी। दोबारा दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, आग पर कंट्रोल किया। आगजनी में लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। दरअसल संस्कारधानी में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही है, जहां घमापुर के शीतलमाई स्थित ज्ञान स्कूल परिसर में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंचे दमकल के वाहन ने आग पर काबू पाया, लेकिन कुछ देर बाद आग फिर भड़क उठी। देखते देखते गोदाम में रखा सारा फर्नीचर जल गया। आगजनी में गोदाम मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त फर्नीचर गोदाम के मालिक घर से कहीं बाहर गए हुए थे। इस आगजनी की घटना के चलते गोदाम में रखा पलंग, सोफा और अन्य फर्नीचर भी जलकर नष्ट हो गया है। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस आगजनी की वजह से भी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी निकली होगी और उसी के चलते आग लगी होगी। अगर आप शादियों में शामिल हो रहे हैं या आपके परिवार में कोई बड़ा आयोजन है, तो जरा सावधान रहें, क्योंकि ऐसे अवसरों पर हाथ की सफाई दिखाने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। जबलपुर के कोसलपुर थाना क्षेत्र में तिलक समारोह में पहुंची दो युवतियों ने करीब 14,50,000 रुपए से भरा बैग पार कर लिया। बारात घर से भागते हुए दोनों युवतियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहडोल के धनपुरी से सोनी परिवार 25 नवंबर को जबलपुर के कोसलपुर बारात घर लाया था और यहां तिलक समारोह का आयोजन किया गया। इसी दौरान दो लड़कियों ने पैसों से भरा बैग पार कर लिया। जब शगुन की थाली में पैसे रखने की बारी आई तो सभी के होश उड़ गए। पैसों से भरा बैग नहीं था। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दोनों लड़कियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
जबलपुर के एक होटल में कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तीन पति बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास कर्मचारी होटल को बंद करने की तैयारी में थे, तभी भरतीपुर निवासी गणेश सोनकर कुछ युवकों के साथ वहां पहुंचा और हंगामा करते हुए कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। कर्मचारी के अनुसार इस दौरान जब होटल के संचालक उसे रोकने पहुंचे तो बदमाशों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। घटना के बाद बदमाश वहां से धमकी देते हुए चले गए। वारदात के बाद होटल संचालक ने ओमती थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। बागपत के सूर्य मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। मंदिर का ताला तोड़कर भगवान की मूर्ति के आभूषण चोरी कर चोर फरार हो गए। भगवान की मूर्तियों से सोने चांदी के आभूषण, 3,000 रुपए की नगदी चोरी कर ली गई। वहीं मंदिर में महंत ने तहरीर दी है। मंदिर में चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और पुलिस छानबीन कर रही है। सूर्य मंदिर के महंत रामेश्वर वन बाबा ने पुलिस को भी तहरीर में बताया है कि शाम मंदिर के कपाट बंद कर अपने कमरे में वो सोने चले गए। सुबह उठकर मंदिर पूजा अर्चना के लिए खुला तो सूर्यदेव भगवान और गणेश भगवान की मूर्तियों से आभूषण गायब दिखे, जिन्हें रात्रि में चोर चोरी कर ले गए। चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीणों ने चोरी हुई मूर्तियों के आभूषणों की लाखों रुपए कीमत बताई है। सूचना पर पुलिस मंदिर पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ में मजहबी शोर पर सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई हुई। एसपी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर शोर कर रहे लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई की और जिले के अलग अलग इलाकों से 350 लाउडस्पीकर्स उतारे गए। साथ ही कानून का उल्लंघन कर लाउडस्पीकर लगाने वालों पर FIR दर्ज हुई। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली, रानीगंज, लालगंज, कुंडा पट्टी समेत सभी थाना क्षेत्रों में एक एक्शन हुआ और शासन के निर्देश पर सुबह 5 बजे से SP सतपाल अंतिल समेत सभी पुलिस अफसर अपने अपने सर्किल क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान पाया गया कि मस्जिद मंदिर समेत कई सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस प्रशासन के निर्देशों के बावजूद तेज लाउडस्पीकर के जरिए ध्वनि करके नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा। इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों मस्जिदों, दर्जनों मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरवाकर जब्त कर लिया। अफसर के नेतृत्व में कार्रवाई से धार्मिक स्थल के मौलाना और पुजारियों में हड़कंप है। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर देव दीपावली को भी भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। देव दीपावली की शाम काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भव्य लेजर शो का आयोजन खास आकर्षण होगी। इसमें विश्वनाथ धाम, काशी और भगवान शिव की धार्मिक कथा और गाथा को पर्यटक देख पाएंगे। काशी की देव दीपावली कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री आएंगे। इनके साथ 70 देशों के राजदूत भी देव दीपावली का आनंद लेंगे। काशी की दिव्य दीपावली को देखने के लिए चार्टर प्लेन से 150 विदेशी डेलीगेट भी आ रहे हैं। काशी की देव दीपावली को देखने के लिए लाखों पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं, जो बाबा के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। ऐसे में भक्तों के स्वागत के लिए बाबा के दरबार को आकर्षक देशी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। देव दीपावली के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को 11 टन फूलों से सजाने की तैयारी चल रही है। महादेव के धाम को सजाने के लिए फूल कोलकाता, बेंगलुरु और विदेश से आ रहे हैं। इन फूलों से पूरे धाम को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। परिसर का कोना कोना अलग अलग फूल मालाओं से सुगंधित होगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मचाटोली में मिनी माता बांगो हसदेव डैम में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव में ये सभी 6 लोग पिकनिक मनाने बांगो हसदेव डैम गए थे। डैम का गेट खोलने के पूर्व सायरन बजाया गया था, लेकिन इन लोगों को सायरन की आवाज सुनाई नहीं दी। घटना की सूचना मिलते ही CSCB अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। डैम में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद डैम से बाहर निकाला। बता दें कि ये एक पिकनिक स्पॉट है जहां दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। मतलब
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। वे कभी सड़क पर झाड़ू लगाते, कभी सार्वजनिक शौचालय की सफाई करते, कभी बिजली के पोल पर चढ़कर झाड़ियां साफ करते नजर आते हैं। सोमवार को एक बार फिर से ऐसे ही अंदाज में देखे मंत्री जी हजीरा सिविल अस्पताल में सफाई करने पहुंचे। उन्होंने अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की और इस दौरान मंत्री जी ने टॉयलेट भी साफ किया, जिसका वीडियो सामने आया है। सतना जिले में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म के मामले में गांव के एक अधेड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में आरोपी ने अपने गुनाहों को कबूल किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद में चौथी कक्षा के 3 छात्रों ने स्कूल में ही अपने साथ पढ़ने वाले छात्र को राउंडर से 108 बार गोद दिया। इस दौरान उन्होंने बच्चे को लात और मुक्कों से भी जमकर पीटा। घटना एरोड्रम क्षेत्र के गरिमा विद्या विहार स्कूल की है। दरअसल 4 बच्चे आपस में खेल रहे थे, उसी दौरान एक बच्चे पर 3 बच्चों ने मिलकर हमला कर दिया। मामले में बच्चे के परिजनों ने स्कूल में शिकायत की तो प्रिंसिपल ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया। वहीं बच्चे के पिता ने घटना की पुष्टि करते हुए घटना शुक्रवार की बताई। उनका बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है और जिनसे विवाद हुआ वे भी चौथी क्लास में ही पढ़ते हैं। गरियाबंद की उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में बाघ की खोज के लिए प्रशासन जंगलों में नए तकनीक से कैमरे लगाएगी। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन फेज 4 के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए अभ्यारण्य को 4 भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग में गूगल अर्थ से तय ग्रिड में 250 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 150 कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। दरअसल 2022 के अंतिम बाघ गणना रिपोर्ट में उदंती सीता नदी अभयारण्य में केवल एक बाघ की उपस्थिति पाई गई थी, जिसे 13 दिसंबर 2022 को अंतिम बार देखा गया था। लेकिन पिछले 11 महीने से इकलौते बाघ के विचरण कॉरिडोर से गैर मौजूदगी ने प्रशासन को हैरानी में डाल रखा है। आधुनिक युग में अंधविश्वास का यहाँ मेला लगा है। खाल की धुन पर लोग झूम रहे हैं। भूत भगा रहे लोगों की तस्वीर वैशाली जिले की है। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा के खास मौके पर एक बार फिर देश का सबसे बड़ा भूतों का यहाँ मेला लगा है। मोक्ष स्थल को नहरा घाट पर भूत प्रेत और आत्मा से छुटकारा दिलाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस तरह के किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन कुनहरा घाट से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूत भगाने वाले लोग यहां खुद को ओझा बताते हैं। रात के अंधेरे में लगने वाले इस मेले में जो लोग नहीं पहुंच पाते उनका वीडियो कॉल के जरिए भूत भगाने का दावा किया जाता है। चैबासा के मुसाबनी में 5 हाथियों की मौत पर जांच शुरू कर दी गई है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के ज्वाइंट डायरेक्टर HV गिरीशा ने और राज्य की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। घटनास्थल पर 33,000 वोल्ट के तार को देखने के साथ आसपास के लोगों से टीम ने बात की है। जांच के दौरान वन विभाग के DFO, रेंजर और विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद दिखे। जांच कमेटी के डायरेक्टर का कहना है कि हाथियों की मौत पर गंभीरता से जांच की जा रही है। सर्वे के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने हाथियों से दूर रहने की लोगों से अपील की है। मुसाबनी गांव के पास 5 हाथी की मौत लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर केंद्रीय टीम मामले की जांच में जुट गई है। हाथ में देसी कट्टा और भोजपुरी के अश्लील गानों पर झूम रहे लोगों की ये तस्वीर खगड़िया जिले की है। अलौली के रटनाहा गाँव में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग की गयी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यहाँ मौजूद लोग भोजपुरी के डबल मीनिंग वाले गानों पर झूम रहे हैं। इस बीच एक युवक अचानक स्टेज पर चढ़ जाता है और कमर से पिस्टल निकालकर फायरिंग करने लगता है। इन सब के बीच युवक के गोद में एक छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। बर्थडे पार्टी में फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अलौली थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने रटनाहा गांव के वार्ड नंबर 2 से गिरफ्तार कर लिया है। IT और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर आरोपी युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
शीतल दास के बगिया में रविवार शाम एक दीपक प्रभु श्री राम के नाम जलाकर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। वैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में जागृत हिंदू मंच द्वारा भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंच के पदाधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक और धर्म प्रेमी बंधु भी मौजूद रहे। जागृत हिंदू मंच के संरक्षक डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने बताया कि हजारों सनातनियों के बलिदान और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में मंदिर निर्माण हिंदू समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज सेवी लोगों ने बड़े तालाब में दीप दान किया। भिंड में क्वारी नदी पर बने पुल पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया। इसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 719 पर बने पुल पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। बता दें कि इसी हाईवे पर चंबल नदी पर बने पुल पर भी पिछले 5 महीने से भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया। अब ऐसे में एक साथ दो पुलों पर प्रतिबंध लगने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि दोनों ही पुल एमपी यूपी को सीधे जोड़ते हैं। बता दें कि भिंड में भी दो ख्याति प्राप्त संत पंडित श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज की भागवत कथा चल रही है। आगामी 28 नवंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले शिव महापुराण कथा जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर पर पहुंच रहे हैं। इसमें भी जिले से नहीं बल्कि कई राज्यों से कथा में शामिल होने के लिए भक्त पहुंचते हैं और ऐसे में भारी वाहनों को खासा तकलीफ उठानी पड़ सकती है। रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कस्बों और गाँव के लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देश भर में 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त दमोह जिले के जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में रविवार की रात 12 बजे अद्भुत नजारा देखने को मिला। जब केवल 40 मिनट में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए। वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन की मान्यता के मुताबिक इस रात भोलेनाथ के दर्शन से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी की रात में 12 बजे जागेश्वर नाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। इसी रात भगवान भोलेनाथ को तुलसी अर्पित की जाती है। प्राचीन मान्यता के मुताबिक इस रात जागेश्वर नाथ का मिलन भगवान विष्णु से होता है। परंपरा के मुताबिक गर्भगृह में रोशनी को दूर रखा जाता है, मतलब गर्भगृह में किसी भी तरह की रोशनी नहीं रहती, अंधेरे में ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। बांदकपुर धाम की इस परंपरा को देखने के साथ ही जागेश्वर नाथ के दर्शन करने देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इस बार भी महज 40 मिनट के अंदर कपाट खुलते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ अर्जित किया।